वाओ थर्ड गियर, ओ माय गुडनेस, बाइक इज क्विट कंफर्टेबल, ओ माय गुडनेस जीसस क्राइस्ट, आराम से थर्ड गियर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ट्राई करूँगा टीवीएस स्पोर्ट को एक दो अलग ट्रैक मूड पे, ट्रैक मतलब एक दो अलग रोड कंडीशंस पे जिसमें यूजुअली ये बाइक नहीं चलता है। सिटी में चलने के लिए तो गाइज आप लोग ने इसे काफ़ी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बट मैं आज इसको ट्राई करने वाला हूँ ऑन माउंटेंस। सो यस गाइज, एंड आई हैव दिस बाइक। ये बाइक एक्चुअली यूज़ नहीं हुआ है, बहुत कम चला है बाइक, एंड माई फ्रेंड्स बाइक। सो मैं सोचा क्यों ना लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो आज हम इसे दो डिफरेंट रोड कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं, एक होगा अपहिल और एक होगा ऑफ रोड। ऑफकोर्स गाइज इससे ऑफ रोड में, रफ ऑफ रोड्स में, पैचेस में नहीं जाने वाला हूँ। एक मिनिमम ऑफ रोडिंग जो एक बाइक को कैसा परफॉर्म करता है, इसका सस्पेंशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका ऑल ओवर कैसा वाइब्रेशंस एंड हैंडल सीटिंग पोजीशनिंग में सब कुछ इसमें कंपेयर करके ट्राई करूँगा और देखते हैं ये अप हिल में कैसा परफॉर्म करता है। और हम लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ब्यूटीफुल प्लेस, और हमें माउंटेंस में चलना बहुत अच्छा लगता है और हमारे लिए बहुत कॉमन है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, टीवीएस स्पोर्ट्स इन द माउंटेंस, ऑन द माउंटेंस सॉरी, and let's see how it works। तो guys अब हम इसको लेके जाने वाले हैं। वैसे इसका टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर है एट 4500 rpm। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स ट्राई इट आउट कि ये कैसा एक्चुअली परफॉर्म करता है। एंड मेरे लिए बाइक चलाना थोड़ा वियर्ड है बिकॉज इसका जितना भी जो गेयर्स है सब सारे अप है, तो मैं बार बार इसको नीचे कर दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट गेयर है न्यूट्रल हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, विल गेट यूज टू, and let's see how it works right now, let's go। okay, तो first gear में है, ये काफ़ी uphill है, देखने में कैमरा में नहीं पता चल रहा बट ये uphill है, and then let's go। okay, तो अभी जो cliff आने वाला है, mountain का जो uphill आने वाला है, वो around 80 degree up है। एंड आप देख सकते हो, आपको उतना पता शायद कैमरा में ना चले बट ये 80 डिग्री या 90 डिग्री के आसपास में है आप। एंड गाइज लेट्स चेक आउट, अभी मैं चल रहा हूँ सेकेंड गियर पे। दिस इज़ ओके, दिस इज़ फर्स्ट गियर, आराम से सेकेंड गियर पे हूँ। लेट्स सी सेकेंड गियर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं थ्रॉटल अच्छा से देखे रखा हूँ, ऑलमोस्ट 60% थ्रॉटल यूज़ हो रहा है। ओके, बाइक इज़ गोइंग वेरी स्मूथ गाइज, ये अभी भी अप जा रहे हैं हम लोग, अप एंड अप, एंड बाइक इज गोइंग गाइज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, बाइक जा रहा है ऊपर, बाप रे, सेकेंड गियर में, या वाओ अमेजिंग यार, ये तो बहुत अच्छा जा रहा है। थर्ड गियर ट्राई करते हैं। ओके, थर्ड गियर में दम तोड़ रहा है, रुक जाएगा, मैं सेकेंड गियर कर लेता हूँ। तो सेकेंड गियर में गाइज आई मस्ट से यार, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे कि भाई ये बाइक चल पाएगा सेकेंड गियर में, बट ऑसम। सो इसने फर्स्ट टेस्ट तो पास कर लिया, चलो आई विल जस्ट फाइंड आउट सेकेंड वन। ओके गाइज, अब जो अपहिल आने वाला है वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा है एंड इज अ डिफिकल्ट वन, मुझे पता है, मैं आते रहता हूँ। लेट्स सी इस पोजिशन, इस सिचुएशन में ये बाइक कैसा परफॉर्म करता है, चलो लेट्स गो। मेरे सामने एक ऑटो जा रहा है, उसको तो ऑफकोर्स फर्स्ट गियर में लेना होगा, एंड चलो देखते हैं। सेकेंड गियर में चल रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड गियर है, एंड थर्ड गियर। ओके, द बाइक इज़ गोइंग गुड इन 40 स्पीड है मेरा अभी तक। थर्ड गियर, ओके, आप देख सकते हो आप, एंड ये आप होता रहेगा। मैं थर्ड गियर में हूँ गाइस, एंड आई एम वेरी सरप्राइज। ओके, थर्ड गियर, ओ वाओ थर्ड गियर, ओ माय गुडनेस, थर्ड गियर में उड़ी है भाई, मेरा अपाचे उठने के लिए बैंड बजता है उसका, ओ माय गॉड। एंड ठीक मेरे सामने और एक है, चलो लेट्स ट्राई देयर ओनली ऑल्सो। थर्ड गियर में गाइस, अभी फोर्थ गियर में चला रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स फोर्थ गियर में नहीं उठ पाएगा, मैं भरोसा है फोर्थ गियर में नहीं उठ पाएगा। चलो स्पीड कमा लेते, लेट्स गो। ओके, 20 फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, हाँ यार क्या आराम से उठ जा रहा है, ओ माय गुडनेस। आई डोंट नो ये बाइक पहले माउंटेन इलाका में चलाए कि नहीं चलाए, बट या बहुत हल्का बाइक है गाइस ऑफकोर्स, एंड ड्रम ब्रेक्स है, तो ऑफकोर्स ब्रेक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मैं इसलिए बाइक को बहुत संभाल के चला रहा हूँ।
और मेरा प्रैक्टिस नहीं है इस बाइक को चलाने के लिए, मैं यूज़ टू नहीं हूँ, तो मेरे लिए हैंडल छोटा है और सिटिंग पोजिशनिंग भी बहुत अलग है मेरे लिए, तो इसलिए मैं बहुत संभाल के चला रहा हूँ। वैसे बाइक तो बहुत कंफर्टेबल है, मेरा हाइट आई थिंक 5.7 या 5.8 के आसपास है, एंड सो फार सो गुड। ओके सो आ गया ये चढ़ाई, नेक्स्ट वन थर्ड वन, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बाइक को रोक लेता हूँ, अब यहाँ से चढ़ाएंगे एक गियर पे, लेट्स सी। तो बाइक आ गया एक गियर पे एंड लेट्स गो। और फिर से मैं गलती कर दी, एक गियर एंड सेकेंड गियर, ओके मक्खन, थर्ड गियर, आराम से यार, आराम से क्या बढ़िया चढ़ा है यार वो एक है। लेट्स ट्राई इट आउट अगेन, न्यूट्रल फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर आराम से, थर्ड गियर, भाई आराम से, क्या आराम से चल रहा है यार, क्या आराम से चल रहा है, मज़ा आ गया यार चला के, मज़ा आ गया, मतलब आई मस्त से यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यार ये बाइक ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड आई एम सो सेटिस्फाइड, वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रियली। भाई एक बार तो बाइक को देखना बनता है। वाओ लोकेशन देखो यार, क्लाउडी है आज, तो सो फार बाइक इज परफॉर्मेंस गुड, परफॉर्मिंग गुड। एंड अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं इसका जो सेकेंड चैलेंज, वो होगा थोड़ी सी ऑफ रोड। इस बाइक का जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है उसका ये लाइट्स, DRLs, एंड दिस इज़ माई फेवरेट इन द बाइक। बाइक बहुत लाइट है, ऑफकोर्स सिटी के लिए परफेक्ट है, मैं इसको सिटी का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ है गाइज, आप कोई भी वीडियोज़ जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा सिटी के लिए बहुत बढ़िया है, एंड इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द माइलेज, एंड ऑफकोर्स द बाइक इट्सेल्फ इज़ सो गुड। वैसे इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव है और जिनका कॉम्पिटिशन बहुत है इस बाइक के साथ, बट दिस बाइक आई मस्ट से इज़ अ गुड चॉइस। फिलहाल आप देख ही रहे हो और बने रहो इस चैनल पे और इस वीडियो पे एंड तक देखो, अब देखते इसका असली टेस्ट ऑफ रोड में कैसे फंक्शन करता है, कितना बढ़िया लगता है चला के, अब तक मुझे बहुत अच्छा लगा, बट लेट्स गो एंड गेट इन सम ऑफ रोड। ओके सो गाइज ऑफ रोड बिगिंस, मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ बिकॉज मेरे पैर में चोट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट व्लॉग के लिए करना पड़ा है गाइस, एंड दिस रोड इज़ वेरी बैड। मैंने अभी जस्ट डाला था कि खतरनाक वाला रोड है भाई ये, तो आई होप कि बाइक जा पाए, वैसे अगर ज़्यादा होगा तो मैं लेके नहीं जाऊँगा बाइक को, बट अगर इतना है जितना मुझे दिखाई दे रहा है देन तो सो वेल टू गो, गुड टू गो, लेट्स सी। अभी तक तो देखो रोड्स आर वेरी स्लीपरी एंड बाइक इज एबल टू परफॉर्म, ओके ये ऑफ रोड तो एक्सट्रीम ऑफ रोड है गाइस, इसमें तो मैं बाइक नहीं घुसाने वाला बिकॉज मेरा दोस्त मेरे को मारेगा, बट या ओके सो सस्पेंशन टेस्ट, मैं सिंगल हूँ अभी, तो सिंगल में तो आपको ऐसे भी आप ओके बाइक इज क्विट कंफर्टेबल। ओ माय गुडनेस जीसस क्राइस्ट, नो वेज, आई थिंक गाइस आई नीड टू गो बैक, यहाँ से मैं नहीं चला सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार, कुछ पता नहीं या फिर आगे जाके रोड कैसा है, सो बेटर लेट मी टर्न बैक। ओके डिफिकल्ट टू टर्न बैक ऑल्सो, ओह अभी मैं खाई में गिरने वाला था, छोटे से खाई में वाटरफॉल में, फन फन बट नॉट फनी बिकॉज अगर मैं गिरा तो भाई मेरा पैर तो गया, बट या अदरवाइज देखो ये रोड्स आर अ वेरी बम्पी एंड आई मस्ट से इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एंड देन हैंडलिंग ऑल्सो इज़ नॉट डिफिकल्ट, जस्ट दैट बाइक थोड़ा लाइट है ना, तो क्या होता है कि
आई एम यूज टू विद थोड़ा हैवी बाइक, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है मुझे बाइक. बट अदरवाइज यार ओवरऑल आई मस्ट से यार आई एम एन्जॉइंग दिस. आई मीन आई एम एन्जॉइंग द राइड, आई एम एन्जॉइंग द राइड. मेरा फ्रेंड वीडियो देखेगा तो वो भी इन्जॉय करेगा अपने बाइक को इतने ख़राब रास्ते में देख करके. ओके नाउ हाउ आई शुड गो आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ से तो मैं धक्का मार के लेके आया था. वो फन बट नॉट फनी. आराम से भाई, बाइक इज़ लाइट तो ईजी टू मूव. ओके तो मुझे यहाँ से बंद करके लेके जाना पड़ेगा, मैं वैसा लेके जाऊँगा. एनीवेज चलो. Hey guys, वो वाला ऑफ रोड से तो आ गए भाई, उसमें तो मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ये बाइक को मैं नहीं चाहता कि इतना प्रॉब्लम और कहीं फंस जाए, बिकॉज यार फिजिकल नहीं प्रॉब्लम होगा ना यार, ये ऑफ रोडिंग बाइक तो है नहीं. तो अभी दूसरा ऑफ रोड है. हाँ ये रोड ऑफ रोड का ऑफ रोड से कम नहीं है, तो ये वो फर्स्ट ऑफ रोड था एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक सस्पेंशन का. और ये सेकेंड ऑफ रोड है, इसका भी सस्पेंशन का एक्सपीरियंस मुझे तो फिलहाल सही लग रहा है. मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जो इसका क्या है पता है, मेरा सिटिंग पोजीशन, मतलब इतना आराम से कंफर्टेबली बैठा ना यार. सस्पेंशन अच्छा है पता है, अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, बिकॉज मैं खुद चलाता हूँ अपाचे और हिमालयन, तो मुझे डिफरेंस पता चलता है. मैं तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अपाचे से अच्छा है ना क्या सस्पेंशन, बिकॉज मेरा अपाचे तो उछाल कूद देता है यार. कम से कम ये कंफर्टेबली लेके तो जा रहा है. वाह ऑफ रोड देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देखो अरे गड्ढा. सेटलिंग करे क्या इसमें? सेटलिंग करते, ओ माय गॉड यार सेटलिंग भी हो रहा है यार. हैंडल थोड़ा छोटा है बट सेटलिंग हो जा रहा है. वाह दिस इज अमेजिंग, वाह वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कुछ देखने को मिलेगा टीवीएस का स्पोर्ट्स में. यार बढ़िया बाइक बनाया हो यार. वाह रोड का हालत देखो, इसलिए मैंने बोला कि ये दूसरा ऑफ रोड चैलेंज है. और अभी मैं कुछ थर्ड ईयर में चल रहा हूँ यार, आराम से स्मूथली चल रहा है भाई, बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं. मक्खन हाय भाई, शांता कर देख रहे हो. यो बाइक इज रियली अ गुड बाइक मैन. ओके वाओ देख रहे हो 25-30-40 के स्पीड में आराम से जा सकते हो यार ये सब ऑफ रोड में. देखो यार आई मस्ट से मेरा अपाचे से तो बैटरी सस्पेंशन लग रहा है मुझे, तो गाइस ऑफ रोडिंग चैलेंज में भी ये बंदा पास होता है. तो मैं आपको बताऊं कि मैं आउट ऑफ 10 कितना देना चाहता हूँ इन दोनों सिचुएशन में टीवीएस स्पोर्ट को. तो भाई अपहिल सिचुएशन में मैं आउट ऑफ 10 नो डाउट, जितना सीसी का ये बाइक है उसके हिसाब से आई वुड गिव इट 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मैं 10 आउट ऑफ 10 क्यों दिया हूँ, एक तो गलती होना चाहिए था, निकालने बैठोगे तो हज़ारों निकलेगा. बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था थर्ड नंबर गियर पे चढ़ जाएगा भाई, ये थर्ड नंबर गियर पे चढ़ गया एंड आई एम सो सरप्राइज एंड आई एम सो हैप्पी एज वेल. तो यस वी आर आउट ऑफ ऑफ रोडिंग ट्रैक, ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते और भाई बारिश भी आने वाली है, तो इससे पहले कि बाइक बारिश में और गंदा हो जाए, बाइक पूरा चिक चिक था. तो मैं अभी बाइक को लेके जाऊँगा घर वॉश करके, फिर अपने दोस्त को ड्रॉप कर दूँगा बाइक. बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू कि व्हाट मार्क्स डू आई गिव इट. यस गाइस तो कान खोल के सुन लो आप लोग सब लोग, अगर आप ये बाइक लेना चाह रहे हो नॉट ओनली इन सिटी, नॉट ओनली ऑन माउंटेन्स, बट द सस्पेंशन आर रियल गुड सस्पेंशन. देखो आप इसके बारे में डिटेल्स में जाके उनका कोई भी वेबसाइट से पढ़ लो, कार बाइक देखो या कोई भी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो. बट प्रैक्टिकली आप जब चलाओगे ना बाइक को, जब आप फिजिकली इसको टच करोगे और इसको राइड करोगे, तो गाइस नो डाउट गो फॉर इट. मतलब सॉलिड बाइक है, इजी टू हैंडल,
इन द ट्रैफिक ऑफ कोर्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल आज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और मैं इसे ऑफ रोड के लिए देना चाहूँगा 7 out of 10। अब सब लोग बोलेंगे 7 क्यों भाई, ये तो ऑफ रोडिंग बाइक नहीं, ये भी तो अच्छा किया। भाई बहुत अच्छा किया, बट बिकॉज मैंने ऑफ रोडिंग काफ़ी ट्राई नहीं किया तो मैं इसको डम 10 out of 10 भी दे नहीं सकता। बिकॉज आपने देखा कि ऑफ रोडिंग ट्रैक भाई खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग था, उसमें तो मैं अपना हिमालयन भी ना घुसाऊँ, तो इसलिए मैं इसको नहीं घुसाया। तो मैं जितना इसको टेस्ट कर पाया ऑफ रोडिंग के लिए भाई आई गिव 7 out of 10। बट नो डाउट आई नो दिस बाइक हैज़ कैपेसिटी कि ये 7 क्या ये 10 out of 10 भी स्कोर कर दे भाई, जो जिस पर्पज़ के लिए बाइक बना है उसके बावजूद भी ये बाइक यार इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है ऑफ द रोड एंड ऑन द रोड एंड ऑन द हील्स एंड दैट्स अमेजिंग। सो यस, अगर आप वीडियो देख रहे हो और बाई चांस भी अगर आपके पास स्पोर्ट है, TVS स्पोर्ट है, तो गाइज यू शुड बी हैप्पी, द स्माइल शुड बी ऑन योर फेस बिकॉज इट्स अ वेरी गुड बाइक। 10 लीटर्स का इन फ्यूल टैंक है इसका, अच्छा खासा फ्यूल टैंक है। एंड ऑफकोर्स बाइक का मैंने आपको बता ही दिया टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर 4500 RPM पे। बाइक एक्स शोरूम अराउंड 67 के आई थिंक आसपास में है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप चेकआउट कर लो लिस्ट, आपके स्टेट में RTO चार्जेस लगा के 70 कुछ आ ही जाएगा। तो कैसे है सर, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ बाइक विद इन 110cc आई थिंक यू मस्ट चेक आउट TVS स्पोर्ट। ऑफकोर्स इससे कंपटीशन में बहुत बाइक है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एंड यू कैन चेक देम ऑल ऑफ देम आउट, बट प्राइस डिफरेंस ज़रूर आएगा बिकॉज इसका एक शोरूम 67 कुछ है एंड मे बी ऑन द रोड और चीपर में आपको आपका स्टेट में मे बी 72 में भी हो जाए या डिपेंड्स अगेन ऑन द रोड आपके सिटी में। और प्लेटिना है इसके प्राइस रेंज में आई थिंक समवेयर 60 और ऐसा कुछ एक शोरूम है उसका। अदरवाइज़ जो भी और बाइक्स हैं 110cc के वो लोग 72 एक शोरूम ऐसा है, तो आप चेकआउट कर लो आपको कौन सा चाहिए। बाय द वे ये बाइक इज़ एब्सोल्यूट, दिस बाइक इज़ एब्सोल्यूट पीस बाय TVS एंड नो डाउट TVS इज़ अ ट्रस्टवर्दी कंपनी। यस यू कैन गो फॉर इट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट छोड़ना जरूर कमेंट करना, कुछ भी सवाल है तो भाई पूछ सकते हो, अगर मुझे आता है बता दूंगा, नहीं आता तो गूगल करके बता दूंगा, गूगल करके बता दूंगा। टिल देन गाइज बी सेफ एंड बी हैप्पी, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून।